इस रिपोर्ट में। पहले सपा में सूपड़ा साफ, अब बीजेपी की बारी। मेरठ की एमएलसी सरोजिनी का ठग परिवार, सियासी रसूखों के दबाव में पुलिस ने टेके घुटने। थाने में नहीं ली जाती तहरीर, कोर्ट से हो रहे केस। 2016 में मेरठ में समाजवादी पार्टी की एमएलसी और पार्टी हाईकमान की करीबी नेता सरोजिनी अग्रवाल ने अपने पति ओम प्रकाश अग्रवाल और बेटी नीमा अग्रवाल की कंपनी प्रतीक बिल्ड कॉम के नाम समाजवादी आवास योजना का लाइसेंस हासिल किया। अपनी कंपनी की जमीन पर फ्लैट निर्माण का ठेका आरवंश कलर सिटी नाम की कंपनी को दिया गया। शहर में ढोल नगाड़े के साथ इस आवासीय योजना की नींव रखी गई और फिर शुरू हो गया बुकिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी का खेल। जिन आवंटियों ने इस योजना में अपने पैसे लगाए उन्हें 3 साल में फ्लैट दिए जाने का वादा किया गया था, मगर 2017 में सूबे की हुकूमत बदलते ही सरोजिनी अग्रवाल ने अपना चोला बदलकर भाजपाई कर लिया। तब से इस योजना के आवंटी मेरठ में पुलिस और प्रशासन के अफसरों की चौखट पर अपना सिर पटक रहे हैं, लेकिन सत्ता के रसूख के गुलाम अफसरों ने आवंटियों को इंसाफ देने में हाथ बांध रखे हैं। 8-10 करोड़ रुपया जो है इन्होंने लोगों से हैंड लिया और बिल्डिंग बनाने के नाम पे आज भी वहाँ एक ईंट भी नहीं लगी हुई। हम लोग मुसलसल 4 महीने से कभी कमिश्नर के यहाँ, कभी डीएम के यहाँ, कभी एसएसपी के यहाँ इसी तरीके से चक्कर काटते फिर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 350 आवंटी आज जो परेशान है, लगभग जो है हर आदमी का 10 से 12 लाख रुपया जो है लिए बैठे हैं। ये कहती है सरोजिनी अग्रवाल की भाई मेरा इस योजना से कोई लेना देना नहीं, हमें खुद बिल्डर ठग गया। प्रतीक डील कॉम के नाम लाइसेंस दिया गवर्नमेंट ने, वहां पे वो भूमि पूजन करवा रही, तेज प्रताप को जो है मुकुट पहना रही है और यहाँ तक कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए अपनी जमीन का ले चुकी है, तो कैसे कह रही है कि मेरा इससे लेना देना नहीं है। दौराला थाने में एक के बाद एक 6 मुकदमे इस योजना से जुड़े बिल्डरों के नाम अब तक दर्ज हो चुके हैं। पिछले 5 मुकदमों में पुलिस डर दिखाकर सरोजिनी अग्रवाल के परिजनों के नाम केस से निकलवा दिया करती थी। नतीजा ये कि सरोजिनी अग्रवाल हमेशा कहती रही कि आवंटी ही नहीं वो भी ठगी गई है। जबकि पीड़ितों की माने तो सरोजिनी अग्रवाल के परिजनों ने जमीन की रकम वसूल कर ली है और आवंटियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। इरफान अंसारी जैसे 350 से ज्यादा पीड़ित इस योजना में इस ठग परिवार का शिकार बने हैं। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद इरफान अंसारी का केस 4 जून को संगीन धाराओं में दर्ज किया, जिनमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है, मगर पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद फाइल से धूल तक नहीं झाड़ी। जिन अफसरों से पीड़ितों ने पुलिस के रवैये की शिकायत की वो मीडिया से भी नजरें चुरा रहे हैं। शायद ये सियासत में ठगों के ऊंचे रसूखों का असर ही है। ये सरोजिनी अग्रवाल के रसूखों का ही असर था कि किसी भी आवंटी की एफआईआर थाने में सीधे दर्ज नहीं की गई। आवंटी कोर्ट गए और उन्होंने किसी तरह अपने मुकदमे दर्ज कराए, लेकिन इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी ना तो किसी में तफ्तीश हुई और ना ही आज तक किसी मामले में चार्जशीट फाइल की गई। पीड़ितों की माने तो एसएसपी ने थानेदारों के हाथ बांध रखे हैं और इसीलिए अब कोई कार्रवाई नहीं होती। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।